नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे बिहार सरकार के नौकरी का पिटारा, यानी बिहार सरकार ने अब निश्चित रूप से नौकरी का पिटारा खोलने की बात स्वीकार की है। और नौकरी के पिटारा के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आह्वान किया है कि हम 10 लाख नहीं 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जल्द से जल्द, और शिक्षक की बहाली को लेकर भी लगभग ये कहा जा रहा है कि लगभग 2-3 महीने में 2-2.5 लाख लोगों की बहाली फिर से होगी। अभी तीसरे फेज के बहाली पर अपडेट आपको बता दें कि जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, उस पर जो खामी है और उस खामी को दूर करने के लिए जो आंदोलन हम लोग तैयार किए, जिस आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और सभी सीटों को भरा जाए, इसके लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले, ये हम लोग की मांग है। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस प्रकार से चीज़ें बदली गई और BPSC द्वारा जो चीज़ें नोटिस के रूप में आई है कि OMR सीट में तकनीकी यानी टेक्निकल फॉल्ट को, यानी जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है, इसलिए जो है OMR सीट जो है वो अब पब्लिश नहीं होगा, उसको दूर करने का प्रयास चल रहा है। जैसे ही दूर होगा फिर लॉगिन ID करके लोग अपना देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से हम लोग का भी मानना था कि बेल्ट्रॉन जैसी संस्था को OMR सीट के चयन करने की जो बातें दी गई थी उसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए था। फिर भी अगर बात हुई है, अगर सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अगर नहीं है तो 2-3 जब बातों का जवाब दिया जाए, क्योंकि जो बात शिक्षक अभ्यर्थी समझना चाहते हैं वो बात सरकार क्यों नहीं, सब व्यवस्था क्यों नहीं समझना चाहती है। अगर चीज़ें हैं, अगर आज अगर बात करेंगे फर्जीवाड़ा का, जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने 6-8 में जो कहा था कि हम 90% जो है 90% लोग जो हैं इस तरह के फर्जीवाड़ा करके बहाल हो गए हैं, तो उम्मीद के तौर पर पूरा डाटा, सारण का एक डाटा आया है, 41 लोगों को प्रतिबंधित किया गया है, उनको शोकॉज नोटिस जारी हुआ है क्योंकि वो बड़े फर्जी तरीके से बहाल हो गए थे। निश्चित रूप से पूरा डाटा अगर आप 6-8 में बात करेंगे तो किसी दूसरे प्रदेश के लोग को कम से कम 60% जो है वो यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए, 90 नंबर से कम है, यहाँ तो 84-85 लगभग 88-89 नंबर वाले बहाल हो गए। इसका क्रेडिट कौन लेगा? व्यवस्था अगर बनी है उस प्रकार से, इसका क्रेडिट तो कोई लेना चाहिए। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में सवाल है फिर उस बात का जवाब, आप जवाब जो है वो आपको देना पड़ेगा। TRE 1 से लेकर TRE 2 तक और TRE 2 से लेकर TRE 3 तक, अब सीटों का जो घालमेल करने का षड्यंत्र BPSC और शिक्षा विभाग से चला, उसका भी तो क्रेडिट लीजिए। पहले 1,70,000 लोगों की बहाली की बात की गई थी, फिर 1,20,000 लोगों की बहाली की बात की गई, अब जो ओवरऑल है सीट है वो डाटा जो है वो BPSC और शिक्षा विभाग को बताना होगा। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई CWJC 1151, उस मामले में क्या हुआ, 25 दिन बीत गए हैं, कोर्ट का ऑर्डर आया है, नानी तागिया के बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1 से 4 नंबर वाले और डेट ऑफ बर्थ जो छठे हैं 1-5 यानी प्राथमिक शिक्षक में TRE 1 में सबका डाटा प्रस्तुत करें कितने पद रिक्त हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि 20,000 से 25,000 पद जो है ओवरऑल रिक्त हैं। अगर ओवरऑल की बात की जाए, 1-5 की बात की जाए, कम से कम 5,000 से 7,000 लोगों को नौकरी दोबारा देने की ज़रूरत है, परंतु अभी तक BPS और शिक्षा विभाग ने एक भी नोटिस नहीं निकाला है कि आगे क्या करना है। निश्चित रूप से सब मामलों पर हम जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के अपर जो मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ साहब, उनके साथ हम मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि कोर्ट के ऑर्डर का क्या हुआ, कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में अंदर में BPSC क्या सोचती है, क्योंकि 25 दिन बीत गए, आपको आकलन तो करना पड़ेगा। अब सीटों का कंपनसेट कब करना है, TRE 1 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़ा के तो इंतहा पार कर गई, इसका भी तो कोई क्रेडिट लेगा, इसका भी तो कोई जिम्मा लेगा। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार की सारी व्यवस्था चंद अफसरों के हाथ में दे दी गई, जैसे कि शिक्षा विभाग और शिक्षक बहाली का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और KK पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, इन दोनों अधिकारियों की इर्द गिर्द सारी कवायद घूमती रही और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, क्रेडिट लेने का होड़ था, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर साटे गए कि हमारी सरकार ने लोगों को नौकरी दी, 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दी और अब दोबारा हो रहा है। तो यही तो हम पूछना चाहते हैं कि नौकरी तो आपने दिया, बिल्कुल दिया, तो दूसरे प्रदेश के लोगों को कितने नौकरी दी, इसका भी डाटा तो प्रस्तुत करवाइए। 1-5 में महिलाओं को जो 35% आरक्षण है, उस आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। 17,000 नौकरी में से 10,000 से ज़्यादा नौकरी किसी दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिला। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर लोग जो बहाल हो गए हैं, 5,000 पर झारखंड और कई राज्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि बनाए जा रहे हैं, लोग बहाल हो गए हैं। यहाँ पर 49 नौकरी में मात्र 8 नौकरी बिहार के लोगों को मिला, दिव्यांग हमारे भाई बहन को, बात बिल्कुल इस तरह से सामने आ रही है।
अब तो सीटेट वाले मामले पर, फर्जी वाले मामले में अगर अगर थंब इम्प्रेशन और ये कराया जाए तो कोई जिला बाकी नहीं है, और ये जांच चल रही है, बड़े पैमाने पर जांच चल रही है। हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कथन का हम लोग स्वागत करते हैं। बेरोजगारों की एक लंबी फौज है, पूरे देश में फौज है, बिहार में भी है, परंतु तो बिहार के नौकरी पर कहीं ना कहीं आपको डोमिसाइल के बारे में चिंता करना चाहिए। डोमिसाइल के नियम के तहत जिस तरह की चीज़ें खत्म की गई, ओवरऑल ओपन कर दिया गया, तो बिहार के लोगों को उस प्रकार से नौकरी तो नहीं मिली। डाटा भी प्रस्तुत है, RTI से खुलासा हुआ है, सब चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई है, और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इस बात का भी तो जिक्र होना चाहिए। उसका क्रेडिट कौन लेगा, न सत्ता पक्ष हो न विपक्ष हो। अंत में विवश होकर हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़ा, पूरी तरह से व्यवस्था बदल दी गई, और 87,000 पदों पर जो चीज़ें चल रही है शिक्षक बहाली पर, उसमें OMR की जो सीट जारी की गई, फिर उसको उसके बाद जो है रोका गया टेक्निकल फॉल्ट का, टेक्निकल फॉल्ट नहीं, उसमें कई तरीके से फर्जीवाड़ा होने की चांसेस हैं, इसलिए हम लोग का स्पष्ट मानना था कि बेल्ट्रॉन को उसका जिम्मा ना दिया जाए। बाहरी सारी चीज़ों पर हम लोग का स्पष्ट मानना था, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्यों नहीं, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि आप 11th 12th का रिजल्ट दे दीजिए, उसके बाद जो है अगर कई लोग, उसके बाद 9th 10th का दीजिए, अगर कई चीज़ें हैं, अगर सब लोग सब जगह से पास है, एक लोग 3 जगह से, कोई 2 जगह से पास है, कोई 4 जगह से पास है, तो रिजल्ट तो सब जगह उसका आएगा, लेकिन काउंसलिंग एक ही जगह वो कराए, क्योंकि काउंसलिंग अगर सब जगह कराता है तो कहीं ना कहीं सब पद एक जगह ज्वाइनिंग करेगा, और जितने जगह उसने काउंसलिंग कराया है सब पद रिक्त रह जाएंगे। इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, और प्रोटेस्ट में जिस प्रकार से छात्र नेता की पिटाई हुई, जिस प्रकार से हमारे साथी छात्रों की पिटाई हुई, व्यवस्था आपने लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को डिमांड है, अब बात जो है अगर कई लोग, इसके बाद 9th 10th का दीजिए, अगर कई चीज़ें हैं, अगर सब लोग सब जगह से पास है, एक लोग 3 जगह से, कोई 2 जगह से पास है, कोई 4 जगह से पास है, तो रिजल्ट तो सब जगह उसका आएगा, लेकिन काउंसलिंग एक ही जगह वो कराए, क्योंकि काउंसलिंग अगर सब जगह कराता है तो कहीं ना कहीं सब पद एक जगह ज्वाइनिंग करेगा, और जितने जगह उसने काउंसलिंग कराया सब पद रिक्त रह जाएंगे। इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, और प्रोटेस्ट में जिस प्रकार से छात्र नेता की पिटाई हुई, जिस प्रकार से हमारे साथी छात्रों की पिटाई हुई, व्यवस्था आपने लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को डिमांड है, अब बात कीजिए, समस्या अगर नहीं है तो उस पर बताइए कि क्या है, और कई तरह के बयान जो हैं सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग देंगे, जब सत्ता में आ जाएंगे तो वही बात को घुमा कर कहेंगे, जब विपक्ष में रहेंगे तो विरोध का बात करेंगे, उनके स्वर में आपको विरोध नजर आएगा। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले, इन्हीं सब मांगों को लेकर हम जल्द से जल्द हम लोग एक और प्रोटेस्ट बुलाने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार की मंशा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, परंतु व्यवस्था ऐसी बनी है, आयोग और विभाग ने मिलकर जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया है उसका, उस पर काम करने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है। सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी वाले, दिव्यांगता फर्जी बनाकर, डोमिसाइल फर्जी बनाकर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो बहाल हो गए हैं, ABCD का ज्ञान नहीं और शिक्षक बन गए, कैसे बदलेगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कहा है कि हम 12 लाख नौकरी देंगे, परंतु 12 लाख नौकरी 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ये सुनिश्चित हो जाएगी, जैसा लगता है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा पर रोक लगाए, और बिहार के लोगों को अधिक से अधिक अवसर का लाभ मिले, यही हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।